आज हम आए हैं मणिकर्णिका घाट घूमने। तो हम बताएंगे आज मणिकर्णिका घाट कैसे। सुरेंद्र जी आपको बताएंगे घाट के बारे में, क्यों फेमस है और क्यों नहीं। लोग नौका बिहार का भ्रमण करते हुए, बहुत ही अच्छा वातावरण है, तो दोस्तों ये देख आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ हिंदू धर्म के मुताबिक जब कोई इंसान मर जाता है और उसका संस्कार इधर किया जाए तो वो सीधा मोक्ष प्राप्ति को पहुँच जाता है। यहाँ पर हमेशा 24 घंटे बॉडीज आती रहती हैं और लोग मोच को जाते रहते हैं। देखिए ये वो मंदिर है, उधर आप देख सकते हो, उधर से लोग अग्नि लेते हैं टैक्स देकर। दो राजा रहता है, उसको टैक्स देते हैं और उसके बाद संस्कार किया जाता है। फिर उनकी अस्थियों को इधर विसर्जित कर देते हैं। उत्तर लेके जा रहे हैं गंगा स्नान कराने के लिए।
गंगा स्नान कराने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी मोक्ष प्राप्ति की। दोस्तों ये रियलिटी है जीवन की, बाकी कुछ नहीं है। आप देख सकते हो हर इंसान अकेला आ रहा है, मतलब अकेला मतलब कुछ लेके नहीं जा रहा है, खाली हाथ आ रहा है और खाली हाथ ही जा रहा है। उसने अपने जीवन में बुरा कर्म किया हो, अच्छा कर्म किया हो, उसका भी उसके बारे में भी उसको सोचने की जरूरत है। बराबर ये देखिए, आत्मा परमात्मा में विलीन होने की तैयारी करते हैं।